वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। दिस इज जर्नी विद प्रफुल डाबी। मेरे मित्रों, यह हमारा एपिसोड नंबर 70 है, दैट इज द सजेशंस फॉर द फीवर, बुखार और द ज्वर डिजीज। मेरे मित्रों, ये बहुत ही कॉमन है हमारी ह्यूमैनिटी की बीमारी, जिसके अंदर की बुखार होता है, ज्वर होता है या फीवर इसे हम बोलते हैं। मेरे मित्रों, यह हमारा जो एपिसोड है, दैट विल बी कमिंग अंडर द सर्वे संतु निरामया सीरीज फॉर द इंडिया। मेरे मित्रों, ये हमारे जो पाथ है फॉर द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि कृपया करके आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स ऑन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट येट वेरी सिंपल टेक्निक्स। मेरे मित्रों, काफी सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे बड़ी बात है, परंतु दीज आर वेरी पावरफुल टेक्निक्स, लॉजिकल टेक्निक्स, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपने फायदे के लिए इसे जरूर काम में ले रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज, दिस इज द पाथ ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। यह हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है। मेरे मित्रों, मैं एक इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं तो नो डाउट आप काफी सारे प्रॉब्लम्स को अपने आप ही हल कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ 60 से 70 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, जिससे कि हेल्थ सीरीज जिसके के ऊपर निर्माण होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करें। कॉन्सेप्ट नंबर H1, H2, H3 एक्सेट्रा। और यदि आप देखेंगे तो मैंने साइड में एक एपिसोड का नंबर भी लगा के रखा हुआ है। यदि आपको इससे और ज्यादा पल्लवन चाहिए, और ज्यादा विस्तार में आपको इसे देखना है, तो आप उस पर्टिकुलर एपिसोड को रेफर कर सकते हैं। एपिसोड नंबर 47, 48, 49, 51, एंड दीज आर द गोल्डन कॉन्सेप्ट विच आर पुटेड इन द गोल्डन कलर। एपिसोड नंबर 53 एंड अवर लास्ट सम ऑफ द एपिसोड वी हैव कवर्ड कंप्लीट बॉडी हीलिंग, जिससे कि आप पूरी तरीके से कैसे ठीक हो पाए। हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं कोरोना के ऊपर या कोविड के ऊपर, जिससे कि आप कैसे ठीक हो पाए, और ब्लैक फंगस को कवर करते हुए भी हमने एक छोटा सा एपिसोड बनाया था। तो मेरे मित्रों, वी स्पेशली इनवोक द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। वी होल हार्टेडली रेस्पेक्ट द मेडिकल साइंस एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी एंड इन द फर्म बिलीफ that the human body must to be get healed as fast as possible through various proven medical sciences। मेरे मित्रों, येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके हमें आदमी को ठीक करना है, उसके शरीर को ठीक करना है। whether we are using the allopathy, that is a proven science, whether we are using the acupressure or acupuncture, these are the proven science, or whether we are using the ayurveda, that is a proven science। my dear friends, however, these techniques are mere suggestions by an educated engineer for his friends until it gets proven by the today's doctors and the scientists। मेरे मित्रों, आपको भी हिपोक्रेटिक का ओथ याद है, और मुझे भी वही चीज याद है कि कैसे भी करके आपको भी अपने मरीजों को ठीक करना है, और मुझे अपने मित्रों को, उनकी बॉडी को, उनके मन को ठीक करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा और एलोपैथी के अंदर छोटा सा जंग सा छेड़ा हुआ है, परंतु मेरा ये विनम्र मत है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगी। मेरे मित्रों, एक और एक 11 होते हैं, परंतु 1-1=0।
दैट इज फॉर द पेशेंट. एक तरफ काफी खर्चीला इलाज है, दूसरी तरफ प्रूवन साइंसेज के अंदर कुछ काफी बेहतर जेम्स है, कुछ हीरे छुपे हुए हैं आयुर्वेदा के अंदर, जिससे कि हमें काम में लेना है, जिससे कि कैसे भी करके हमें क्विकली ठीक होना है. लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी. मेरे मित्रों, ये जो एनर्जी हीलिंग मेथड्स है, इसके अंदर हम मेनली एनर्जी को काम में लेने वाले हैं. ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी जिसे बोला जाता है, उसको काम में लेते हुए हमें अपने शरीर को ठीक करना है, उसे ठीक करने का प्रयास करना है. मेरे मित्रों, ये वो एनर्जी है जिसके की द्वारा मैं बोल रहा हूं, ये वो एनर्जी जिसके की द्वारा कोई आदमी चलता है, फिरता है, सोचता है, खाता है, पीता है. ऊर्जा नहीं, आप खत्म, मैं खत्म, दैट्स इट. प्राण ऊर्जा कहिए, ची एनर्जी कहिए, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहिए, कुछ भी कह लीजिए, बट दैट इज ए पर्टिकुलर एनर्जी, ऊर्जा. तो मेरे मित्रों, अगर हमें ठीक होना है तो क्या करने का है? फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट क्लीन एनर्जी, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी एंड द बैलेंस ऑफ द एनर्जी. मेरे मित्रों, एनर्जी क्या है कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा होगा, H1 से H55 तक, 65 तक, आपको पता पड़ गया होगा कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं. एनर्जी को कैसे जनरेट करेंगे, हमने आपको बताया है. एनर्जी को कैसे बैलेंस कर पाएंगे, हमने आपको बताया है. एनर्जी को डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं. यदि आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं, मेरे मित्रों, इट इज द गारंटी दैट हेल्दी बॉडी विल बी ऑफ योर राइट. स्वस्थ शरीर आपका अधिकार होगा, परंतु आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है. दीज आर द सजेशंस फॉर द फीवर, बुखार और द ज्वर डिजीज. ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे कि कोई बुखार नहीं आता हो, ज्वर नहीं आता हो या फीवर नहीं आता हो. तो आइए मेरे मित्रों, हमारे इस ह्यूमन बॉडी को फीवर से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए आपके इस मित्र के द्वारा कुछ सजेशन है आपके लिए. आप चाहें तो इसे काम में ले सकते हैं. फीवर, ज्वर या बुखार, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप? ए कंडीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट हैज टू हॉट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द इलनेस. आपका शरीर बीमार पड़ा है, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसके अंदर कुछ इंक्रीज हो गया है. ओके, इंक्रीज कितना? ए पर्सन इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड टू हैव ए बैलेंस फॉर सिग्निफिकेंट फीवर अंटिल द टेम्परेचर इज अबव 100.4 डिग्री फारेनहाइट और द 38 डिग्री फारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस. इसका मतलब, अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 100 से ऊपर अगर जाता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं फीवरिश है, वरना इट इज ए वेरी नॉर्मल कंडीशन. आपका बॉडी एकदम बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है. ये इसका मतलब क्या है? अटैक बाय सम ऑफ द आउटर थिंग ऑन आवर ह्यूमन बॉडी. मेरा शरीर है, वायरस ने अटैक किया होगा, या बैक्टीरिया ने अटैक किया, या फंगस ने अटैक किया, किसी भी रीजन की वजह से कोई ना कोई आउटर अटैक मेरे शरीर के ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर हुआ है. बुखार खुद में एक डिजीज नहीं है, इट इज मियर ए सिंबल. ये सिंबल ही दिखा रहा है कि मेरी बॉडी स्ट्रगल कर रही है, मेरी बॉडी एक युद्ध लड़ रही है किसी पराए वायरस के प्रति, किसी पराए बैक्टीरिया के प्रति. मेरे मित्रों, अवर बॉडी और वी कैन से वाइट ब्लड सेल्स, जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, दैट आर फाइटिंग विद दैट आउटर सब्सटेंस, हेंस टेम्परेचर राइज. इसका मतलब, मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मेरी जो इम्यूनिटी होती है, मेरी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो अगर लड़ रही है बाहर के वायरस से या बैक्टीरिया से या फंगस से, इसका मतलब वो जो लड़ाई का प्रतीक है कि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर कुछ अप हो गया है. अगर मेरी बॉडी जीत जाती है, इफ माय बॉडी विंस फ्रॉम द आउटर सब्सटेंसेज, मेरी बॉडी जो है, जो मेरी इम्यूनिटी है, वो वायरस से जीत जाए या बैक्टीरिया जो है या फंगस से जीत जाती है, इसका मतलब आई विल गेट हील, मैं ठीक हो जाऊंगा. ओके, परंतु व्हाट विल बी हैपन यदि मेरी बॉडी गेट्स डिफीटेड, यदि मेरी इम्यूनिटी पावर किसी वजह से, जो बाहर का वायरस ज्यादा शक्तिशाली है या बाहर का बैक्टीरिया ज्यादा शक्तिशाली है, उससे किसी भी वजह से हार जाती है, इसका मतलब आई विल गेट डिजीज, मुझे वो पर्टिकुलर वायरस
या बैक्टीरिया या फंगस मुझे डिजीज या बीमार कर देगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इम्यूनिटी जीतती है, मैं स्वस्थ, मैं हेल्दी। इम्यूनिटी मेरी हार जाती है, इसका मतलब आई विल गेट डिजीज, दैट्स इट। मेरे मित्रों, फीवर इज पार्ट ऑफ द बॉडीज ओन डिजीज फाइटिंग वेपन। राइजिंग द बॉडी टेम्परेचर एपेरेंटली आर कैपेबल ऑफ किलिंग ऑफ मेनी ऑफ द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बुखार होता है, इसके द्वारा बॉडी अपने आप को हील करने का, स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। फाइनली हार जाए, दैट इज अ डिफरेंट केस, परंतु वो पूरी तरीके से मन लगा के लड़ती है। जो इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल, सॉरी टू से, कलियुगी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, वो मन लगा के अपना जो ईश्वर ने उसको काम दे रखा है उसे मन लगाकर जरूर करती है। हार जाए, दैट इज अ डिफरेंट केस, परंतु मन लगा के पूरा लड़ती है, दैट इज 101% श्योर। युद्ध से रणछोड़ नहीं हो जाती है, पूरा अपना प्रदर्शन जरूर करती है। मेरे मित्रों, जो मेडिकल साइंस है वो ये बोलता है, फीवर इज मियर इंडिकेशन, ये केवल एक संकेत है, सिंबल है, दैट समथिंग इज देयर आउट ऑफ ऑर्डर, कुछ ऐसी चीज है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर जाने वाली है, बचा लो अपने आप को वरना बीमार पड़ जाओगे। मेरे मित्रों, एज पर द स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दिस इज द चैनल डेडिकेटेड टू द स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी भी हम बात करेंगे, साइंस या विज्ञान की भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा विज्ञान से बिल्कुल ही अपोजिट है या विज्ञान से हम बिल्कुल छुपना चाहते हैं, नॉट एट ऑल। विज्ञान, आई एम ए साइंटिस्ट बाय द नेचर, बाय बर्थ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग आई हैव स्टडीड। तो मेरे मित्रों, एज पर द स्पिरिचुअलिटी, फीवर इज ए इंडिकेशन दैट स्व प्लस इष्ट ठीक से नहीं, इसका मतलब स्व में स्थिति ठीक से नहीं, स्व संतुलन में नहीं। ओके, स्व क्या है, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीरीज के बारे में देखना होगा। जब और कॉन्सेप्ट सीरीज के बारे में, अगर आप ज्ञान के प्यासे हैं, अगर आप अपने आप को और ज्यादा उन्नत बनाना चाहते हैं ज्ञान में, तो आपको कॉन्सेप्ट सीरीज जो कि इंडिया के लिए हमने बना रखी है उसको आपको रेफर करना होगा। दीज आर द एप्लीकेशन सीरीज, दैट्स व्हाई वी विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन ओनली एंड ओनली कैसे काम में लेने का है सिद्धांतों को, वही हमारा मुख्य मंतव्य रहेगा। हमारा शरीर जो होता है कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होता है, एल्वर को हमने बॉडी के रूप में कहा है। अगर किसी वजह से हमारा संतुलन हिल जाता है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हमारा संतुलन बिगड़ जाता है तो इसका मतलब मैं हेल्दी नहीं हूं, भले वो मानसिक डिजीज भी हो सकती है, वो शारीरिक डिजीज भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, मैं हेल्दी नहीं हूं अगर मैं स्व में स्थिति मेरी नहीं है या स्व में संतुलन नहीं है। और अगर आप केवल ठीक होना चाहते हैं तो ज्यादा इन कॉन्सेप्ट के चक्कर मत पड़िए, केवल जो कहते हैं उसको आप देख लीजिए इस पर्टिकुलर एपिसोड को। ज्ञान के प्यासे हैं, काइंडली रेफर टू द कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरे मित्रों, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन, एक आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी, आपके जैसा एक आम आदमी आखिर क्या कर सकता है इसके लिए? बुखार से मुझे फाइट करना है, उसे ठीक करना है, आखिर मैं कैसे कर सकता हूं उसे? एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस, या जो एलोपैथी है वो क्या कहती है इसके बारे में? पहला चीज, नीम हकीम खतरे जान, परंतु फिर भी एक बुखार तो एक छोटा सा रोग है, नीम हकीम हमें बन जाना होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर घर के अंदर पैरासिटामोल होती है, हर घर में कालपोल होती है, होता है, दैट्स इट। टेक कालपोल और पैरासिटामोल, क्योंकि आप और हम इतने अमीर तो है नहीं कि छोटा सा बुखार आया और डॉक्टर को दिखाएंगे और कम से कम 5,000 का बिल बनवा के लेके आएंगे, नॉट। टेक कालपोल और पैरासिटामोल, एक दो दिन देखिए, अगर वो ठीक नहीं होता है तो क्या करेंगे, 5,000 का रोकड़ा तैयार रखिए, गो टू द डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल, टेक सम काइंड ऑफ द जनरलाइज पिल्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर आपको कुछ बताएंगे कि आपको ये चीज लेने का है, ओके? ब्लड टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं, और फाइनली व्हाट एवर इज द रीजन, लगभग 5,000 रुपए आपका कहीं नहीं गया, आपको उतना खर्च करना ही करना है। मेरे मित्रों, पिन पॉइंटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, अगर जनरलाइज चीजों से आप ठीक नहीं होते हैं, ब्लड रिपोर्ट आएगी, सैंपल आएंगे आपके, उनके पास में रिपोर्ट्स आएगी, वो बता पाएंगे कि आपको इंफेक्शन हुआ है या क्या हुआ है, देन दे आर पिन पॉइंटिंग द प्रॉब्लम, समस्या को वो देखेंगे कि क्या समस्या हुई है।
नॉर्मल फीवर है, इतनी देर में ठीक हो जाना चाहिए, या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से या कोई और पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से आप बीमार हैं, वो बता देंगे आपको। उसके बाद में क्या करेंगे, दे विल गिव ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बाय द एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल मेडिसिन। मैं डॉक्टर नहीं हूं, दैट्स व्हाई मैं केवल एक जनरलाइज चीजें बता रहा हूं कि कैसे इलाज होता है उनके द्वारा। और वो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीवायरल देंगे, कुछ ना कुछ मेडिसिन स्पेशलाइज देंगे जिससे कि आप ठीक हो पाए। एंड दैट मेडिसिन विल बी बेस्ड ऑन योर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एक्सेट्रा। एंड वॉट टू डू बाई ए कॉमन मैन, क्या कोई सॉल्यूशन स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, सॉरी स्पिरिचुअल साइंस जिसकी कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन है? लेट अस सी। और अगर मुन्ना भाई के शब्दों में अगर कहा जाए, सर्किट ये पूछता है भाई क्या करने का, एंड लेट अस सी मुन्ना भाई एमबीबीएस उनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मेरे मित्रों, लेट अस डू द स्पिरिचुअल साइंस एनालिसिस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक लॉजिकल टेक्निक है। जब एक लॉजिकल टेक्निक है, हम लॉजिक्स की ही बातें ना करें, एनालिसिस ना करें, हाउ इट इज पॉसिबल कि यह संभव हो? लेट अस डू द स्पिरिचुअल साइंस एनालिसिस। आखिर हुआ क्या है? अटैक बाय सम आउटर सब्सटेंस ऑन अवर बॉडी, मेरे शरीर के ऊपर किसी बाहरी चीज के आक्रमण हुआ है। बाहरी चीज अगर विज्ञान की भाषा में कहें, बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, वायरस, फंगस एक्सेट्रा, कोई ना कोई बाहरी सब्सटेंस है। हम क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक नेगेटिव हार्मफुल एनर्जी है जिसने कि मेरे शरीर के ऊपर अटैक किया है। नेगेटिव ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव हार्मफुल एनर्जी एक काली ऊर्जा है जो कि नहीं चाहती है कि प्रफुल्ल डाबी ठीक हो पाए, उसका शरीर ठीक रह पाए, ऐसा वो नहीं चाहते। दैट्स व्हाई दैट इज अ डेविल एनर्जी, दैट इज अ ब्लैक एनर्जी, दैट्स इट। नाउ अवर बॉडी इज फाइटिंग विद दैट आउटर सब्सटेंस, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उससे मेरी बॉडी लड़ रही है। मेरे अंदर का जो वाइट एनर्जी है, जो हेल्दीनेस जो एनर्जी है, वो उस नेगेटिव ऊर्जा, हार्मफुल ऊर्जा, काली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ रही है, पूरा प्राण से लड़ रही है। टेक केयर, मेरे अंदर वाइट एनर्जी है, दैट इज फाइटिंग विद द ब्लैक एनर्जी, दैट इज ए आउटर वन, ओके। क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी ऊर्जा होती तो मुझे बीमार क्यों करती? इतनी अच्छी ऊर्जा होती तो शायद मैं कुछ हल्का हल्का सा महसूस करता, मुझे कुछ अच्छा अच्छा सा लगता, परंतु तो मुझे तो बुखार हो रहा है, इसका मतलब समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक, कोई ऐसा है जिससे कि मेरी उन्नति, मेरा स्वस्थ रहना, मेरा हेल्दी रहना अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे वायरस को हम छोड़ने वाले नहीं है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मेरे मित्रों, लेट अस चेक स्पिरिचुअल साइंस क्या कर सकता है। और एनालिसिस ये कहती है, स्व अपनी स्थिति से अलग हुआ है, मैं असंतुलित हुआ हूं, मेरे अंदर की जो प्राण ऊर्जा है, जो वाइट एनर्जी है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, वो अपनी संतुलन के अंदर नहीं है। तो क्या करना है? हेंस येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके गेट योर सेंटर बैक, अपनी केंद्रस्थ स्थिति जो होती है, सेंट्रलाइज पोजीशन जो होती है, संतुलन की जो अवस्था होती है, उसको मुझे वापस एक्वायर करना है, वापस उसे लेके आने का है। गेट योर पोजीशन बैक, अपने आप को पुनः संतुलित बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर मेरी वाइट पॉजिटिव एनर्जी जीत जाए, इसका मतलब आई विल बी ओके एंड हेल्दी अगेन। मेरे अंदर की जो वाइट एनर्जी है वो अगर जीत गई, किससे जीतेगी? जो रोग है ब्लैक एनर्जी, उससे अगर जीत गई, इसका मतलब मैं ओके हो जाऊंगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा। अगर मेरी वाइट पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कि विज्ञान ये बोलता है कि वाइट ब्लड सेल्स, बॉडी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एज ए स्पिरिचुअल साइंस में क्या बोलूंगा, अगर मेरी वाइट पॉजिटिव एनर्जी हार जाए तो इसका मतलब मैं बीमार बना रहूंगा, बुखार आएगा और उसके बाद में और सब सत्यानाश मेरा हो जाएगा, कोई ना कोई रोग इंफेक्शन मेरे अंदर लग जाएगा।
बुखार के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता हार गई। तो इसे हमने सिंबल के रूप में, अगर जैसा कि कहा जाता है कि वन सिंबल वन पिक्चर समराइजेज थाउजेंड ऑफ द वर्ड्स, वन जीआईएफ 10,000 ऑफ द वर्ड, और वन मूवी लैक्स एंड द करोड़ ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे मित्रों, ये मेरी ऊर्जाएं जो थी, काइंडली सी द पॉइंटर, ये जो मेरी ऊर्जाएं थी पहले संतुलन में थी, वायरस के आने से ऊर्जाएं असंतुलित हो गई, मैं असंतुलित हो गया, मेरे अंदर की प्राण ऊर्जा असंतुलित हो गई, जिससे कि मुझे पुनः ठीक ठाक करना है, पुनः संतुलन के अंदर लेके आने का है। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, कुछ सजेशन है स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिकल है और प्रूवन साइंसेज के ऊपर ही है। मैं कोई नीम हकीम नहीं हूं, ना कोई झाड़ फूंक करने वाला ओझा या ऐसा कुछ नहीं हूं। वी आर टॉकिंग वेरी लॉजिकल बेस्ड ऑन द प्रूवन साइंसेज, और वो प्रूवन साइंसेज कोई भी हो सकती है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मसाज थेरेपी, कप थेरेपी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, रैकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे मित्रों, आइए देखते हैं कुछ सजेशन, एक छोटी सी बीमारी के लिए कुछ सजेशन है हमारे पास में, चार पांच आपके लिए, देखते हैं स्पिरिचुअल साइंस सजेशन फॉर द सॉल्यूशन। आखिर हमें ठीक होना है तो सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास में। दीज आर द जनरल पैरासिटामोल सॉल्यूशन और द एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। इनको हम ये बोलेंगे कि दीज आर द पैरासिटामोल सॉल्यूशन, यानी जनरल है, स्पेशलाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे इसमें। नॉर्मल बुखार आया, नॉर्मल बुखार को कैसे ट्रीट करोगे? पहला सॉल्यूशन, अगर फीवर जैसा लगता है इसका मतलब आपके ऊपर कोई अटैक हुआ है, हेंस गेट एज मच एज पॉसिबल एनर्जी। जितनी ज्यादा आपके अंदर हैसियत है, पचाने की क्षमता है, उतनी ज्यादा प्राण ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। मंत्र से करो, तंत्र से करो, भगवान का नाम लेके करो, महामृत्युंजय लेके मंत्र करके करो, मेडिटेशन से करो, प्राणायाम कर लो, इम्यूनिटी बूस्टर ले लो, आयुर्वेदिक दवाएं ले लो, जैसे कैसे आपको करना है, आप अपनी ऊर्जाओं को फुल लोड के ऊपर लेके आ जाइए। और एनर्जी जनरेशन के क्या मेथड्स हैं, काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट नंबर H23 एंड H24। पुराने आप स्लाइड देखेंगे, पुराने एपिसोड्स को देखेंगे, आपको पता पड़ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट नंबर H23 H24। उसके अंदर की हमने आपको बताया है कि एनर्जी जनरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। तो मेरे मित्रों, गेट एच मच एच एनर्जी पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जाओं को जागृत कीजिए। हेल्प योर ओन व्हाइट ब्लड सेल्स और द इम्यूनिटी टू फाइट विद द आउटर सब्सटेंस। आखिर आपकी सफेद ऊर्जा, आपकी सात्विक ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा एक रोगी या डेमोनिक या ब्लैक एनर्जी के साथ में लड़ रही है, तो अपनी व्हाइट एनर्जी को कुछ हेल्प कीजिए। और वो जो हेल्प है कैसे कर पाएंगे, जनरेट योर एनर्जी, जनरेट करेंगे एनर्जी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हेल्प मिलेगी, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को हेल्प मिलेगी, आपके अंदर की जो व्हाइट एनर्जी होती है, सात्विकता है, उसको कुछ हेल्प मिलेगी। तो कृपया करके गेट एज मच एज पॉसिबल एनर्जी। जो ऊर्जा है, या प्राण ऊर्जा कह दो, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कह दो, ची एनर्जी कह दो, ये कभी भी नुकसान नहीं करती है। दीज आर नॉट लाइक द एलोपैथिक पिल्स लिमिटेड टू द 2 or 3 इन ए डे। यू कैन गेट एज मच एज एनर्जी विच यू वॉन्ट, योर कैपेसिटी टू जनरेट, योर कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दैट एनर्जी। ये जो ऊर्जा होती है वो हार्म नहीं करती है। आपकी हैसियत है उतना कमा सकते हो, आपकी जितनी डाइजेस्ट करने की क्षमता है उतनी आप कमा सकते हो, जितनी आपकी हैसियत है जनरेट करने की उतनी आप जनरेट कर सकते हो, जितनी इच्छा है उतनी आप अपना प्राण ऊर्जा के लेवल को बढ़ा सकते हो। एंड इन नटशेल, यू कैन गो टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, अनंत की तरफ आप जा सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। मेरे मित्रों, हमारे कुछ मित्र काफी ज्यादा बिजी होंगे जो कि पीछे की स्लाइड्स में, पीछे के एपिसोड्स में जाके नहीं देखना चाहेंगे, तो उनके लिए, उन मित्रों की हेल्प करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट नंबर H23 और H24 को यहां पर लिख दिया है। यदि आप इसे चाहें पॉज करके पढ़ सकते हैं। दीज आर द मेथड्स टू जनरेट द एनर्जी।
Second method, conserve the generated precious energy, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। मेरे मित्रों, ऊर्जाओं को फिजूल में खर्च नहीं करना है। जैसे कि कुंग फू का जो मेथड होता है कि शत्रु पर वार करना भी महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है शत्रु की ऊर्जाओं को खर्च करवाना और अपनी ऊर्जाओं को बचाना है। एंड वन यूनिट सेव इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेशन। यदि आप एक यूनिट जो घर के अंदर आप बिजली काम में लेते हो, एक यूनिट की ऊर्जा अगर आपने बचाई, दैट इज इक्वलेंट टू कि आपने एक यूनिट ऊर्जा जनरेट किया। तो मेरे मित्रों, जितना ऊर्जाओं को कमाना जरूरी है, उतना ही ज्यादा ये भी जरूरी है कि वो उन ऊर्जाओं को, प्रीशियस ऊर्जाओं को कंजर्व किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो मेरे मित्रों, आप करेंगे क्या इसके अंदर, काइंडली जनरेट द एनर्जी, क्लोज द आईज, आप लेट सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आईज आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी आंखें होती है वो प्राण ऊर्जाओं को सबसे ज्यादा खर्च करती है। जो मैं बोल रहा हूं, प्राण ऊर्जाओं को खर्च कर रहा हूं। तो मेरे मित्रों, आप ऊर्जाओं को जनरेट कीजिए, और कंजर्व करने के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, लेट सकते हैं। आखिर आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो लेटने से आपको कोई मना नहीं करेगा। आपकी बॉडी, आपको ठीक होना है, तो नो डाउट अगर आप चाहें तो लेट सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जाएं कंजर्व हो, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। मेरे मित्रों, जीवन का जो हर कार्य होता है वो ऊर्जाओं के द्वारा ही होता है, अतः निरर्थक क्रियाएं कम से कम हो। एक भी आपका जो ऊर्जा का जो कतरा है वो खाली या व्यर्थ के अंदर आपको खर्च नहीं करना है। दैट्स व्हाई ये आपको चीज को ध्यान रखने का है, ठीक है। शरीर इतनी ज्यादा विकसित और स्मार्ट मशीन है कि ये ऑटोमेटिकली ही बहुत कुछ कर लेता है। शरीर को बहुत कुछ करने का, सॉरी, बहुत कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स है किसी रोग से लड़ने के लिए पहले आपसे अनुमति लेगी। नॉट एट ऑल। शरीर इतनी ज्यादा विकसित और स्मार्ट मशीन है कि ऑटोमेटिकली लगभग सब कुछ कर लेगा। जस्ट प्रोवाइड इट ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा या एनर्जी, कैसे भी करके उसको ऊर्जाएं दे दीजिए आप, बाकी सब कुछ वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। आपको चिंता करने का जरा सा भी जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, आपके शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो बाहर शत्रु से मुकाबला करने की आज्ञा आपसे नहीं लेती है। गारंटी शॉर्ट शॉर्ट 100%। इट जस्ट स्टार्ट्स फाइटिंग टू सेव द बॉडी। एक क्षण भी वो क्या बोलते हैं, आलस, प्रमाद नहीं करती है कि आपसे अनुमति लेगी और फिर आपको ठीक करेगा। नो, जब तक सांस है, जब तक टाइगर जिंदा है, जब तक आपकी इम्यूनिटी पावर डिफेंड कर सकती है, वो इमीडिएटली वो अपनी डिफेंड करना शुरू कर देगी। आपकी इम्यूनिटी रोगों से लड़ना शुरू कर देगी। और मेरे मित्रों, इफ यू ट्रस्ट ऑन द सोनी फॉर द टीवी, टोयोटा फॉर द कार, देन काइंडली डीप ट्रस्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी मशीन विच इज मेड बाय द गॉड। भगवान ने बनाई इस मशीन को, इतनी प्यारी सी मशीन है कि बेस्ट सुपर कंप्यूटर तक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कहता, खुद विज्ञान ये बोलता है। तो मेरे मित्रों, काइंडली ट्रस्ट ऑन द अल्टीमेट डिजाइनर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रीच इट्स अल्टीमेट लेवल। ह्यूमन शरीर का लेवल वो है कि इसको अगर मैं बनाता हूं तो लगभग हो सकता है 350 मिलियन या 350 बिलियन तक का खर्चा हो जाए। करोड़ों और अरबों रुपए की ये मशीन है। तो मेरे मित्रों, ये मांग क्या रही है, थोड़ी सी ऊर्जा आप दे दीजिए, कुछ कमाइए ऊर्जा, ऊर्जा उसको दे दीजिए, अपने आप को ठीक कर देगी, दैट्स इट। मेरे मित्रों, मेथड नंबर 3 इज आयुर्वेद और ऊर्जाओं के द्वारा ज्वर या बुखार हेतु सजेशंस। अगर आपको बुखार या ज्वर या फीवर को ठीक करना है तो अवर थर्ड सॉल्यूशन इज, पहला सॉल्यूशन केवल ऊर्जा, दूसरा सॉल्यूशन कंजर्व द ऊर्जा या संरक्षित कीजिए ऊर्जाओं को, थर्ड वन इज आयुर्वेदा प्लस ऊर्जा। वी लव द आयुर्वेदा एज वेल एज द एलोपैथी ऑल्सो।
वरना एलोपैथी वाले डॉक्टर जो मेरे मित्र हैं वो मेरी पिटाई कर देंगे। नहीं, फिर से एक कोर्ट केस। बट यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर, इट इज कंप्लीटली ऑफ योर चॉइस टू सी दिस पर्टिकुलर एपिसोड और नॉट। नो वन इन द वर्ल्ड, नो वन इन दिस कॉस्मोस इज बाइंडिंग यू टू सी दिस पर्टिकुलर चैनल, दिस पर्टिकुलर एपिसोड। तो मेरे मित्रों, दैट्स वाई लीगल डिस्क्लेमर एक बार आप जरूर पढ़िएगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मेरे मित्रों, आयुर्वेद और ऊर्जाओं के द्वारा भी ज्वर या बुखार को ठीक किया जा सकता है। अगर हम कहें, दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक दवाएं होती है, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे दादी माँ के खजाने हैं। च्यवनप्राश है, हल्दी दूध है, दूध च्यवनप्राश है, श्री रविशंकर जी जो आयुर्वेदा है उनका शक्ति ड्रॉप्स है, आपके परिवार में कुछ काढ़ा पीते होंगे, कुछ तुलसी ड्रॉप हो सकती है, सब कुछ काम में ले सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स मजबूत हो। ओके, ये तो सब कुछ बोल ही रहे थे पहले, तो फिर मैं नया क्या बोल रहा हूं। पहले बोल रहे थे कि केवल हल्दी दूध पियो, प्रफुल्ल डा भी ये बोल रहा है कि हल्दी दूध के साथ में ऊर्जा या प्राणायाम कमाइए, ऊर्जाएं के साथ में हल्दी दूध एक और एक 11 हो जाएंगे। पहले लोग कहते थे कि दूध और च्यवनप्राश खाइए, आप शक्तिशाली बनेंगे, अच्छे बनेंगे। प्रफुल्ल डा भी ये बोल रहा है कि प्राणायाम कीजिए, ऊर्जाएं कमाइए कैसे भी करके, और साथ में दूध और च्यवनप्राश पीजिए, वो च्यवनप्राश आपके लिए अमृत की तरह काम कर जाएगा। पहले लोग बोलते थे काढ़ा बना लेते, दादी माँ ने बोला है वो पी लेते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, पुराना जमाना, नया जमाना क्या बोलने वाले हम, काढ़ा पीजिए, साथ में ऊर्जाएं कमाइए, एनर्जी अपने अंदर जनरेट कीजिए। वो जो काढ़े का जो भी तासीर है, अच्छा बुरा जो भी उस आयुर्वेदिक काढ़े की तासीर है, वो लगभग सैकड़ों हजारों और दसियों गुना आपके अंदर हो जाएगी, डिपेंड ऑन योर एनर्जी लेवल। एनर्जी ज्यादा, आयुर्वेद का जो मेडिसिन है उसका लेवल या उसका जो भी काम है वो भी ज्यादा होना शुरू कर देगा। एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ह्यूमेनिटी। मैं आई एम नॉट द बोस्टिंग एट ऑल, जस्ट केवल एक आम आदमी पुराने हिडन साइंसेज को आपके समक्ष, अपने मित्रों के समक्ष पेश कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग न्यू। कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं जो कि आप नहीं जानते, आपकी किताबें नहीं बताती, आपके ज्ञान ग्रंथ नहीं बताते। यू नो एवरीथिंग, कबीरदास जी वही चीज जानते हैं जो कि मीरा जी जानती है, जो कि एक साइंटिस्ट जानता है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क जानता है। हम कुछ भी नई बातें नहीं बताने जा रहे हैं, बस केवल एक पेश करने का जो अंदाज है, पेश करने का एक जो नजरिया है, दैट इज द ओनली डिफरेंट, नथिंग एल्स। तो मेरे मित्रों, जो भी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर की जो आयुर्वेदिक दवाएं होगी वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी यदि आपने ऊर्जाओं को बढ़ा लिया है तो। ओके, जनरेट द ऊर्जा, टेक द इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक दवा, ओके, आप ठीक होंगे गारंटी से। आप क्योंकि आप अपनी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको मदद कर रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा और एनर्जी जनरेशन के द्वारा, तो रामबाण दवाएं हैं ये। अगला नंबर, ये तो हमने बात की बिल्कुल जनरलाइज इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के बारे में, बट अबाउट प्योर ज्वर नाशक आयुर्वेदिक दवा। मेरे मित्रों, जो आयुर्वेदा है वो एक छोटा मोटा साइंस नहीं है, ज्वर को या बुखार को ठीक करने के लिए इसके पास सैकड़ों मेथड्स हैं। प्रफुल्ल डा भी नॉट ए आयुर्वेदाचार्य, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि आयुर्वेद की ज्वर नाशक दवाइयां कौन कौन सी है, परंतु यदि आप एक आयुर्वेदाचार्य, एक स्पेशलिस्ट से ज्वर नाशक, बुखार को खत्म करने वाली आयुर्वेदिक दवा आप लेते हैं और साथ में ऊर्जाएं प्राणायाम से जनरेट कर लेते हैं, तो जो भी वो जो ज्वर नाशक बुखार की जो दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से आपके ऊपर काम करेगी, गारंटी, श्योर शॉट, 100%। और विश्वास नहीं आता करके देखिए, काइंडली टेस्ट इट। मेरे मित्रों, इन नटशेल, ऊर्जाओं के साथ आयुर्वेदिक दवाइयां अति प्रभावकारी होती है, उनकी जो इफेक्टिवनेस और जो फास्टनेस होती है एकदम
त्वरित गति से वो काम करती है, परंतु देयर इज नो गारंटी फॉर द सिंथेसिस आइटम, लेबोरेटरी मेड आइटम, मैन मेड आइटम्स, उनकी कोई गारंटी हमारी तरफ से नहीं है। आयुर्वेद मतलब नेचुरल हर्ब। विटामिन सी अगर आपने नींबू के रूप में लिया है नो प्रॉब्लम, जो आपकी प्राण ऊर्जा है नींबू के साथ में या विटामिन सी के साथ में काम करेगी और नींबू का इफेक्ट दसियों गुना हो जाएगा। ओके, बादाम स्मृति बढ़ाती है, साथ में ऊर्जाएं काम में ले लीजिए, आपका दिमाग बहुत बढ़िया तरीके से करेगा काम में। बादाम की तासीर दसियों गुना हो जाएगी अगर आपने ऊर्जाओं के साथ में काम में लिया। बट अगर आप कोई सिंथेटिक ड्रग लेते हैं, लेबोरेटरी मेड लेते हैं ड्रग, मैन मेड ड्रग, देयर इज नो गारंटी एट ऑल। ऊर्जाएं किस तरीके से उसके ऊपर काम करेगी मुझे नहीं पता। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल थिंग्स, नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो मेरे मित्रों, अगर आयुर्वेदा हीलिंग वन है, एनर्जी हीलिंग वन है, आयुर्वेदा के साथ में एनर्जी को मिला लीजिए, 1+1=11। ये सनातन सत्य है, कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। चौथा मेथड, द फोर्थ वे, नॉट बाय द पीडी ऑफेंस की, दिस इज बाय द प्रफुल्ल डाबी। माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी और ऊर्जाओं के द्वारा ज्वर, बुखार या फीवर के हेतु आपके लिए कुछ सजेशंस हैं। अगेन वही चीज, नंबर वन, एक तो होगी आपके पास में इम्यूनिटी बूस्टर्ड होम्योपैथिक दवाइयां होगी, आप अकेले तो नहीं ले पाएंगे, इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट का जरूरत होगा, होम्योपैथी के डॉक्टर्स का जरूरत होगा। ठीक है, तो वो जो इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी यदि आपने अपनी ऊर्जा को लेवल को बढ़ा दिया। तो जनरेट द एनर्जी, टेक द इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक ड्रग्स और द दवाइयां। नो डाउट, जो भी दवा की तासीर है वो आपके ऊपर दसियों गुना, सैकड़ों गुना काम करेगी। अगला नंबर, आई एम नॉट ए होम्योपैथी डॉक्टर बट आई कैन गिव द डायरेक्शन। वो कहते हैं ना कि आगम निगम बखानी, हरि मुख की बानी। इसका मतलब एज ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल भी इन चीजों को देखा है, दैट्स व्हाई मैं अपने मित्रों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। ज्वर नाशक होम्योपैथिक दवा प्रेस्क्राइब बाय द स्पेशलिस्ट। होम्योपैथी स्पेशलिस्ट के पास में बहुत सारी दवाइयां होगी जिससे कि बुखार ठीक हो सकता है, आप उन दवाइयों को लीजिए, साथ में थोड़ा सा भस्त्रिका कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कैसे भी करके अपने ऊर्जाओं के लेवल को बढ़ा दीजिए। ऊर्जाएं जनरेट कैसे करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर, इसी एपिसोड में, इसी चैनल में। तो मेरे मित्रों, जो भी ज्वर नाशक होम्योपैथी दवा है अगर उसके साथ में ऊर्जा को आप मिला देते हैं, प्राण ऊर्जाओं को मिला देते हैं, तो वो जो दवाइयां हैं दैट विल बी वर्क एस्ट्रोनाइजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से वो दवाइयां काम करेगी। जो भी उस दवा की तासीर है वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो आपके शरीर के ऊपर काम करेगी। इन नटशेल, ऊर्जाओं के साथ में होम्योपैथी दवाइयां अति प्रभावकारी बन जाती है और वो जो प्रभाव मोर इफेक्टिव मोर फास्ट करके देखिए। पांचवा हल आपके लिए, एक्यूपंचर और ऊर्जाओं के द्वारा ज्वर, बुखार या फीवर को ठीक किया जाना। मेरे मित्रों, फीवर इज अफेक्टिंग द कंप्लीट बॉडी, जो बुखार होता है मेरे पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ओके, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई लोकलाइज प्रॉब्लम है, केवल मेरा हाथ दुख रहा है, केवल मेरा टांग दुख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, पूरे शरीर को एक साथ में बुखार हो रहा है। ओके, एनर्जी कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, आपकी ऊर्जाओं को पूरे शरीर में परिभ्रमण करते रहना पड़ेगा। हेंस एनर्जी फ्लो इन द कंप्लीट बॉडी विल हेल्प टू फाइट द फीवर। आपके पूरे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए जिससे कि आप फीवर से फाइट कर पाए। तो मेरे मित्रों, एक्यूपंचर के साथ में एनर्जी अगर हम मिक्स करते हैं, एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट कैन ओपन द एनर्जी चैनल ऑफ द ह्यूमन बॉडी सो दैट द फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी
मेफ्लो जो एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट है वो आपके बंद जो चैनल्स होते हैं, बंद एनर्जी के जो चैनल्स होते हैं उनको खोल सकता है। ही हैज द पावर, ही हैज द नॉलेज फॉर दैट वन। और अगर मेरा एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो करेगी, इसका मतलब बॉडी रेजिस्टेंस भी मेरा ठीक होगा और पूरे शरीर में जो बुखार फैला हुआ है उसको भी ठीक होने में मदद मिलेगी मेरे मित्रों। परंतु वन वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज देयर, एनर्जी होगी तो ही तो ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा। अगर आपके अंदर ऊर्जाएं ही बहुत मंद है, ऊर्जाएं ही बहुत कम है, तो आप कैसे उस एनर्जी को फ्लो करवा पाएंगे। इसका मतलब एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट अपना काम करेगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, परंतु ऊर्जाओं को आपको जागृत भी करना होगा। एंड दैट इज योर वर्क, एक्यूपंचर प्लस ऊर्जा, दिस मीन्स आप बुखार से ठीक हो सकते हैं। दिस इज ए सजेशन, यू कैन चेक इट। बट वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग इज हियर, एक छोटा सा बुखार है जो कि पैरासिटामोल लेने से ठीक हो सकता है, ऊर्जाओं को लेने से ठीक हो सकता है, रैकी एनर्जी से ठीक हो सकता है, देन के छोटे से बुखार को ठीक करने के लिए सुइयों को चुभाना क्या जरूरी है क्या? एक आम आदमी तो सुइयों से डरता है मेरे मित्रों। ये एक्यूपंचर का अपमान नहीं है, एक आम आदमी की मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। दे आर नॉर्मली रन अवे फ्रॉम द नीडल्स, कोई भी बाहरी चीज मेरे शरीर में जाती है नॉर्मली एक आम आदमी को पसंद नहीं आता है। तो मेरे मित्रों बुखार एक बहुत छोटी सी चीज है, तो उसके लिए हम नीडल्स काम में क्यों लें। ऑल्दो जो एक अच्छे एक्यूपंचर के जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपको दर्द नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरे मित्रों जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आ सकती, जहां तलवार काम आएगी वहां सुई काम नहीं आ सकती। तो मेरे मित्रों एक बहुत ही छोटा सा बुखार है तो नीडल्स घुसाने का जरूरत ना हो तो ज्यादा बेहतर है। रहमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। तो छोटी सी प्रॉब्लम है, नीडल घुसा के कोई ज्यादा मतलब नहीं है, फिर आपकी इच्छा। सॉल्यूशन नंबर सिक्स, सजेशन नंबर सिक्स फॉर यू, एक्यूप्रेशर और ऊर्जाओं के द्वारा ज्वर या बुखार हेतु कुछ सजेशंस। एज फीवर इज अफेक्टिंग द कंप्लीट बॉडी, नो लोकलाइज एनर्जी कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बुखार हाथ में नहीं है, टांग में नहीं है, आंख में नहीं है, वो पूरी की पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी को पूरे के पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना है। इसका मतलब व्हाट वी वांट एग्जैक्टली, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी फ्लो इन द कंप्लीट बॉडी विल हेल्प टू फाइट द फीवर। अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी बर्स्ट होता है वो अगर आपके शरीर में फ्री फ्लो करना शुरू कर दे, इसका मतलब आप बुखार से ठीक हो जाएंगे। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों आपको करना क्या है, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं, और बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपके दोनों हाथ भी आपके पास में, दोनों पैर भी आपके पास में। बर्स्ट ऑफ द एनर्जी को अनुभव कीजिए, ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से जागृत कीजिए, ऊर्जाओं के वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए। कैसे करते हैं, काइंडली रेफर द ओल्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर H23 एंड H24 वी हैव टोल्ड इट टू यू। तो मेरे मित्रों ऊर्जाओं के बर्स्ट को अनुभव कीजिए, उसके बाद में एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा दबाइए। दोनों हाथों को मैं कर सकता हूँ, ताली भी बजा सकता हूँ, इससे भी मेरे हाथों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दोनों टांगों के को टांगों नहीं फुट, बोथ फुट जो होता है उसको एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। दीज आर वेरी कॉमन मेथड्स। तो इससे क्या होगी, आपके एनर्जी के जो ब्लॉकेज होते हैं, जनरल ब्लॉकेज होते हैं, दैट विल बी क्लीन क्लियर, सो दैट द हाई लेवल ऑफ द एनर्जी फ्लो कैन बी एंश्योर्ड। ओके, नाउ एनर्जी फ्लो विल बी देयर, ऑल द ब्लॉकेज विल बी रिमूवल, सो दैट यू कैन हील योरसेल्फ। तो मेरे मित्रों पुराना जमाना क्या बोलता था, एक्यूप्रेशर से ठीक कर दूंगा, ओके नो प्रॉब्लम। नया जमाना क्या बोलने वाला है, यू नो, एक्यूप्रेशर प्लस एनर्जी, एनर्जी बर्स्ट पहले अनुभव कीजिए, ऊर्जाओं को पहले जागृत कीजिए, प्राणायाम से करो कैसे भी करो, देन एक्यूप्रेशर को काम में लीजिए, आप ठीक जरूर होंगे और बहुत ही जल्दी तरीके से ठीक होंगे। अगला नंबर, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, आई टेक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स,
परंतु ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, दैट्स व्हाई हम मेडिटेशन या ध्यान की शक्ति, ध्यान की पावर को डिनाई नहीं कर सकते। यस, तो मेरे मित्रों, मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा भी ज्वर बुखार को ठीक किया जा सकता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो जनरेशन ऑफ द एनर्जी विल बी देयर, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऊर्जाओं का जागरण होना शुरू हो जाएगा। जो भी आदमी करते हैं उनको पता है कि क्या होता है जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं। तो मेरे मित्रों, जब आपके अंदर ऊर्जाएं होगी, जब आपके अंदर जनरेशन ऑफ द एनर्जी होगी, तो क्या होगा, आपके अंदर व्हाइट एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर ब्लैक एनर्जी कम होगी, आपकी जो पॉजिटिविटी है, व्हाइट ऊर्जाएं हैं, सात्विक ऊर्जाएं हैं, वो बीमारी रूपी नकारात्मकता से लड़ेगी, झगड़ेगी, युद्ध लड़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, जनरेशन ऑफ द एनर्जी विल बी देयर बाय यूज ऑफ द मेडिटेशन और द ध्यान। अनदर वन, आपके अंदर ऊर्जाओं का संतुलन होगा, ऊर्जाएं बैलेंस होगी, सो दैट यू विल गेट योर सेंटर ऑटोमेटिकली। मेन थिंग तो आप कॉन्सेप्ट सीरीज में पढ़िएगा, ज्ञान की ज्यादा प्यासे हैं तो। इन नटशेल, आप ठीक हो जाएंगे, आप पुनः अपने संतुलन में आ जाएंगे, स्व पुनः अपने में स्थित हो जाएगा, स्व पुनः अपने में संतुलित हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, जो भी आपका सेंटर हट गया था वो पुनः अर्जित हो जाएगा, योर बॉडी विल बी हील्ड। और मेरे मित्रों, द पावरफुल कंडीशन ऑफ द मेडिटेशन कैन बीट any of the disease of this world। मेरे मित्रों, what will be there यदि generalized paracetamol solution या generalized energy based solution do not work as expected? क्या होगा, क्या कोई specific solution हमारे पास में या spiritual science के पास में है या नहीं है? Let us see. Just like the allopathy, अगर ये जो above generalized things है, above generalized जो method है, वो अगर काम नहीं करती है, इसका मतलब one line, शत्रु या जो रोग है वो बड़ा है। Black energy बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, that's why simple paracetamol से, normalized या generalized solution से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। Okay? Then what to do? As instructed by the allopathic doctor, get the blood or the urine report etc. to know the specific cause of the fever, jwar ya bukhar. दो तीन दिन अगर आपने पैरासिटामोल लिया और फिर भी ठीक नहीं हुआ, क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड रिपोर्ट या यूरिन रिपोर्ट करवाते हो, वही चीज इसमें भी करना है होलिस्टिक मेथड्स में। अगर एक दो दिन आपने जनरलाइज सॉल्यूशन जो हमने आपको बताए वो अगर काम नहीं कर रहे हैं, चरण प्रश ऊर्जाएं काम नहीं कर रही है, या अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो कि स्पेसिफिक है। तो हमें बुलाई को हिट करना है, हमें सेंटर के ऊपर अटैक करना है। तो क्या कर पाएंगे हम? गेट द ब्लड और द यूरिन रिपोर्ट एक्सेट्रा टू नो द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द फीवर या ज्वर या बुखार को। आपको स्पेसिफिक कॉज पता पड़ जाएगा अगर आपने ब्लड या यूरिन टेस्ट करवाया है तो। Now, अगर आपके अंदर ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, that will be taken care by above generalized methods, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में स्प्रेड होता है, hence requirement of the ample energy flow in the complete body। अगर कोई ब्लड से रिलेटेड या ब्लड रिपोर्ट में कोई खराबी आती है, उससे आपको पता पड़ता है कुछ गड़बड़ है, तो जो generalized method वही काम करेंगे आपके ऊपर। As per spiritual science, केवल quantum of the energy will be vary। शत्रु बड़ा है, ऊर्जाओं को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और ज्यादा ऊर्जा एकत्रित कीजिए ताकि आप अपने बुखार से लड़ पाए। मेरे मित्रों, यदि किसी वजह से अगर आपको पता पड़ता है कि स्पेसिफिक या लोकेशनल प्रॉब्लम है, लाइक यूरिन इन्फेक्शन पता पड़ता है, तो क्या करेंगे? अगर आपके अंदर स्पेसिफिक या लोकेशनल प्रॉब्लम है तो कैसे हम ठीक कर पाएंगे? Locational problem normally gets observed by us. अगर आपके अंदर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फ्रीक्वेंटली यूरिन भी आता है, किसी को प्रॉब्लम इन द पासिंग यूरिन पास होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, किसी को जलन होता है, तो
तो मोटा मोटी आपको थोड़ा सा पता पड़ ही जाता है, और नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ब्लड और यूरिन टेस्ट रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम। क्योंकि होलिस्टिक बॉडी हीलिंग के अंदर हम कहीं से भी एलोपैथी का विरोध नहीं कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। मेरे मित्रों, हमें ये के प्रकार ठीक होना है, भले एलोपैथी को काम में लेके हो चाहे आयुर्वेदा को ठीक काम में लेके हो। काइंडली रीड द जनरल बेसिक्स ऑफ द हीलिंग, जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर H1 से H70 H80 हमने आपको जो बता रखा है, उन बेसिक्स को आप एक बार क्लियर कर लीजिए। आपको पता पड़ेगा कि शरीर कैसे काम करता है, ऊर्जाएं कैसे काम करती है, रोग क्या होता है। तो मेरे मित्रों, क्या करेंगे आप, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो जनरेट द एनर्जी एंड गिव द एनर्जी टू द प्रॉब्लमेटिक लिम्ब। जिस भी शरीर के अंग में आपको समस्या हुई है, कृपया करके ऊर्जाओं को तो बढ़ाइए, ऊर्जाओं को तो जनरेट करना ही करना है, वरना कोई गति नहीं है, परम गति तो छोड़ दीजिए। ऊर्जाओं को जनरेट करना ही करना है, कैसे भी करके करो, एंड गिव द एनर्जी टू दैट प्रॉब्लमेटिक लिम्ब। यूरिन में समस्या है, मूत्राशय के ऊपर आप ऊर्जाओं को जनरेट करेंगे, कहीं और समस्या है पथरी वथरी तो आपको वहां पर ऊर्जाओं को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम हम बाद में करेंगे, परंतु तो बीच नटशेल जो एक गोल्डन रूल्स है जिनसे कि आप ठीक हो सकते हैं वो हमने आपको बताए हैं। एनर्जी को जनरेट कैसे करना है हम आपको बता चुके हैं, एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देना है वो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो मेरे मित्रों, दी एनर्जी मेथड्स विल हेल्प द प्रोसेस ऑफ द हीलिंग, आप इससे ठीक होना शुरू हो जाएंगे इन एडिशन टू द एलोपैथी। एलोपैथी आपको हेल्प कर रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कालपुल खाना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी कालपुल से मैं ठीक हो जाता हूँ, परंतु ऊर्जाओं से ही ठीक हो जाऊं तो ये और भी अच्छा होता है। मेरे मित्रों, ऐसे हमारे मित्र जो कि पीछे नहीं जाना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ हमने मदद किया है। उनकी एनर्जी जनरेशन कॉन्सेप्ट कहाँ देखना है, कॉन्सेप्ट नंबर H23 H24 H25, ओके। एनर्जी को डायरेक्शन देना है तो कहां पर देखना है आपको, कॉन्सेप्ट H28 29 H30 एंड H31। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको एनर्जी जनरेशन कैसे करना है ये आपको पता पड़ जाएगा, आपको एनर्जी को डायरेक्शन कैसे देना है ये भी आपको पता हो जाएगा। छोटी समस्या है, कम ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी, बड़ी समस्या है, ज्यादा ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी। चीजें बहुत सिंपल है, कैंसर है लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हो, सर दर्द है 20-25 रुपए की दवाइयों से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब छोटी समस्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम ऊर्जाएं आप एकत्रित करेंगे तो भी काम चलेगा, और कोई बड़ी समस्या है तो आपको ज्यादा ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे मित्रों। होलिस्टिक सॉल्यूशन मींस बाय एनी मेथडोलॉजी वी हैव टू हैव क्विकली हील, येन केन प्रकारेण मुझे अपने आप को ठीक करना ही करना है, दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और विदाउट मच एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्चा, ज्यादा रोकड़ा भी खर्च नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी हमेशा सैकड़ों और हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो मेरे मित्रों, माई सोल्यूशन फॉर द फीवर ज्वर या बुखार हैज बीन कंप्लीटेड, जो भी हमें कहना था आपको, बहुत सारे ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल एपिसोड जो कि बीमारियों के ऊपर बन रहे उनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को सिद्ध हस्त कर लिया, समझ लिया तो। तो मेरे मित्रों, माय सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन फ्रॉम द जीरो टू इन्फिनिटी फॉर द फीवर ज्वर या बुखार हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ इट्स योर टाइम टू चेक, नाउ इट्स योर टाइम टू टेस्ट, नाउ इट्स योर टाइम टू यूज the logical concept. My dear friends, if there is any type of the questions, further discussion is welcomed. आप बिल्कुल, ये public forum है, आप नीचे comment box में कर सकते हैं, हमने एक email address भी आपके साथ में share कर रखा है, आप अपना जो भी समस्या होती है वो हमें लिख सकते हैं ताकि हम further इसके ऊपर discussion कर सकते हैं। और मेरे पिताजी के शब्दों में, राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। Kindly pray to the God,
see his miracle. If you feel his blessing, make your life as a prayer. चीजों को काम में लीजिए, यदि आप ठीक होते हैं, यदि आपका इनके अंदर विश्वास जगता है, तो फिर आप लोगों को भी बताइए। और साथ में बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बुखार की, परंतु इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप चाहें तो पथरी पे भी काम में ले सकते हैं, जो कि बड़ी समस्या है, या कुछ और भी महत्तर समस्याओं के ऊपर आप इन लॉजिकल कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हैं। मेरे मित्रों, नॉर्मली जो पीपल होते हैं डू नॉट यूज साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट हीलिंग मेथड्स, एलोपैथी आयुर्वेदा को लोग मिक्स नहीं करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु जो हमारे नेचुरल जो कॉस्मिक टेक्निक्स है, नेचुरल यूनिवर्सल जो टेक्निक्स है, दैट कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली ऑल्सो। आप चाहें तो एक ही साथ में एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदा को काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम क्या कहेंगे, एक और एक 11 होता है, उसी तरीके से यदि आप सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल ओवर टेक्निक्स करते हैं तो अति आश्चर्यजनक परिणाम आपके समक्ष होंगे, डेट टू विदाउट साइड इफेक्ट, और आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। चॉइस पूरी तरीके से आपकी है कि आप इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इनवोक द डॉक्टर्स एंड मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट्स ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल 0 to Infinity। रिजल्ट चेकिंग ओनली एंड ओनली आफ्टर डूइंग द शक्ति का प्रयोग। अगर आप कुछ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, योर फ्रेंड इज अलाइव टिल नाउ, बट नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग, केवल तर्क करने के लिए तर्क, आपका समय कीमती है, मेरा समय भी कीमती है। मेरे मित्रों, स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट आर देयर टू मेक द ईडन गार्डन, जिससे कि धरती स्वर्ग बन पाए, जिससे कि हम स्वर्ग को धरती पे उतार पाए, जिससे कि हम अपनी धरती, अपने पृथ्वी को एक रहने लायक बेहतर प्लेस हम बना पाए। हमारा पूरे कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट का एकमेव उद्देश्य केवल यही है कि कैसे भी करके धरती एक रहने लायक प्लेस बने, धरती का स्तर कुछ ऊंचा हो। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, सफेद दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ है, या नकारात्मकता काली आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के साथ में है। आप कल की जी, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, अल महदी या मसाया के साथ में है, या आप बीस्ट, एंटी क्राइस्ट, कली डेमोन या अल दज्जाल के साथ में है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसके भी साथ में रह सकते हैं, यह पूरी तरीके से आपका चुनाव है कि आप कहां पर हैं। ये ह्यूमन को ईश्वर ने फ्रीडम ऑफ द विल दे रखी है। मेरे मित्रों, धरती पे राम राज्य लाना है या धरती पे जंगल राज लाना है, यह पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामय, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। मेरे मित्रों, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट दिस टाइम द टाइटेनिक विल नॉट सिंक एट ऑल। पुनः नोआ के आग की तरह, मनु की नौका की तरह, वो अपने मंजिल को जरूर प्राप्त होगा और बीच सागर के अंदर भव सिंधु में डूब नहीं जाएगा। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com. आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो मुंबई से, या पुणे से, आप कहीं से भी क्यों ना हो, मेरे मित्रों, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना होता हो, आपका ये मित्र से आप दिल खोल के बातें कर सकते हैं, दिल खोल के उससे पूछ सकते हैं। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल डाबी गो टू यू, मैं प्रफुल डाबी आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ।
बाकी गले जाए जितनी आज की वो मैं बात बच गई।